आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए पर्यावरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 2। पार्ट 2 है ये। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? क्वेश्चन है, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में? इसका करेक्ट आंसर बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के नेतृत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? इसका करेक्ट आंसर है ये, महाराष्ट्र। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने महाराष्ट्र प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। भारत में सबसे ज्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह महाराष्ट्र में है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में? इसका करेक्ट आंसर है बी, बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में है जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से एक कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, हमारे पास तीन ऑप्शन दिए हैं, तीन चीजें दी हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार। ये क्रमशः किस देश में है? आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, देशों के नाम दिए हैं, इसमें से आपको ये बताना, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ये कहां कौन क्रमशः किस देश में है? इसका हमारा आंसर है ए, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है। इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इटली, फिलीपींस और मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है मैक्सिको में। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, इसे शॉर्ट नोट्स में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, एक साले गैस, दूसरा कोयला तल मीथेन, तीसरा सख्त बलुआ पत्थर, चौथा मैथेन हाइड्रेट्स। इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, ये सभी। ये सभी जो हैं, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं, साले गैस, कोयला तल मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर और मैथेन हाइड्रेट्स। बस शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, साले गैस, कोयला तल मीथेन, बलुआ पत्थर और मैथेन हाइड्रेट, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। सिटीज, CITES, किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पर्यावरण संरक्षण से। CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण। CITES पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क बी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है वन्य जीव सुरक्षा। क्लार्क वेविन पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्य जीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। GRIHA मानक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है पर्यावरण मानक से। जी
RIHA मानव मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। GRIH मानव GRIHA मानक किससे संबंधित? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण मानक। GRIHA मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है कौन? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर है केरल। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरल के पालक्कड़ जिले में है, जो 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? इसका आंसर है एक, अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल जो है वो संधि या प्रोटोकॉल है जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। एनवायरमेंट प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इसका करेक्ट आंसर है इटली। इटली में फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चला है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का मुख्य बहुत नुकसान होता है, यह रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? आपको चार पदार्थ दिए, इसमें से आपको ये बताना है इन चार पदार्थों में से जो समान मात्रा में अगर जलाया जाए तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी उत्सर्जित करेगा? इसका करेक्ट आंसर है केरोसिन। केरोसिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। केरोसिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन करती है। जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन है जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? हमारे इसमें ऑप्शन दिए हैं वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जीव विविधता को संरक्षित करने के लिए। इनमें से कोई नहीं, इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जैव ईंधन का दूसरा उद्देश्य होता है ये, इनमें से जो वनों की कटाई से कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए इसको हमारे पास ये जो तीन ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? इसका आंसर है नागोया प्रोटोकॉल। ओजोन डे मनाने की घोषणा नागोया प्रोटोकॉल में हुई। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। राष्ट्रीय हरित कोर का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? इसका आंसर है पश्चिमी घाट। माधव गाडगिल ने पैनल मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब हमारे पास क्वेश्चन है चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? क्वेश्चन है चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर है नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में है। जो चेचू जनजाति नागार्जुन श्रीशैलम इसको जो आंध्र प्रदेश में है वो वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार बयान के अनुसार चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेचू जनजाति चेचू भाषा बोलती है, इसलिए इसमें हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स है शॉर्ट नोट्स में बताया गया आपको पर्यावरण मंत्रालय के
बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्री सेलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा भी बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण लेखांकन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास, पर्यावरण लेखांकन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यह पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। पर्यावरण लेखांकन यह एक पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत के को मापने के लिए एक विधि है। पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते हैं। यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? क्वेश्चन है, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिली अर्जन सिंह का जन्म 1917 में हुआ। वो एक पूर्व शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। उन्हें 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया। उन्हें 1995 पद्मश्री दिया गया। उनका निधन 2010 में हुआ। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान संबंधित? इसका करेक्ट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिली अर्जन सिंह का जन्म 1917 में हुआ था। वो एक पूर्व शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। उन्हें 1976 और 96 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया। उन्हें 1995 पद्मश्री भी दिया गया। उनका निधन 2010। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य की मुख्य बेंच कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भोपाल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच भोपाल में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है। इसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई। इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में है। इसका जो हमारा डिटेल्स है यह है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई। इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में स्थित है। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? इसका आंसर है ऊर्जा। ऊर्जा निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? इसका आंसर है ऊर्जा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? आपको ये चार दिए हैं ऑप्शन, इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है। एक दिया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सहजीवी संबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों जैविक उर्वरक में आते हैं। एक आता है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सहजीवी संबंध। ये तीनों है, तीनों के तीनों जैविक उर्वरक में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ये किफायती होने के साथ ही कम प्रदूषक होते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास, बेसिलस, फ्लोरिसेंट, स्यूडोमोनास, राइजोबिया, फ्लेवोबैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर आदि जैव उर्वरक है। इसमें आपको जो शॉर्ट नोट्स में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया आपका जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ये किफायती होने के साथ ही कम प्रदूषक होते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास, बेसिलस, फ्लोरेसेंट, स्यूडोमोनास, राइजोबिया, फ्लेवोबैक्टर, बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर आदि जैव उर्वरक है। ये आपको ये जो आपको नाम दिए ये सभी जैव उर्वरक है और इसका उपयोग खेती में प्रयोग करते हैं और ये काफी किफायती होने के साथ साथ ये प्रदूषण भी कम फैलाते हैं, इसलिए ये जो है जैविक उर्वरक में आते हैं। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? क्वेश्चन है, जैविक खेती के क्या फायदे हैं? इसका करेक्ट आंसर है यह किफायती होते हैं। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का उपयोग न करके कंपोस्ट,
जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है, यह किफायती और कम प्रदूषक होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? इसका आंसर है कॉपर। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कॉपर सबसे ज्यादा होता है। ई कचरा या ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इसमें बहुत मुख्य रूप से कॉपर होता है। इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।